ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उसका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो, पार्वती सुत, विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों में तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझ में वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है, यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारका का संहार करने में निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकीय हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपेटों में तमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी, वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन षंड मुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुश्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकापालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदनंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी तथा महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देवर्षियों ने ईष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्साहस है, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषोवेश में वे अपने परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दांव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप होकर खड़े वह दृश्य को देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी सी पड़ गई और पर्वत एवं वन, कानूनों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन्हें सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज से तुम लोगों के आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपने कांतिमय शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, जब उन्होंने तारका का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदनंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग भंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशाही हो गया। मुने, सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को भी मौत के घाट उतार दिया।
उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंग हो गई थीं और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां नहीं ठहर सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंठक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मग्न हो गए। यूं कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समान समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपने गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधुओं तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का स्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिवनंदन कुमार, शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर में गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजय उत्सव मनाया गया जिसमें कीर्तन की विशेषता थी। वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुने, समस्त देवगण ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। इधर तारक को मारे गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम वाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो, तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया तब उन प्रभु ने उन सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखकर वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंदन ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे मातामह पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यूं असुर राज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवासभूत कैलाश पर जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंदन शिव के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार की रमणीय यश का वखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव वे शिवा कुमार तथा अन्य गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य हैं, कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हूँ?